तो हमारी एक ही मांग है, केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं जी, और दिल्ली का विकास होने देना चाहिए। दिल्ली का विकास रुक गया है। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इस घोटाले के मुख्य सरगना इस्तीफा नहीं देते हैं। उनसे ये बताएं कि 16,000 पोस्टें खाली क्यों हैं, गैस टीचर धक्के क्यों खा रहे हैं, गैस टीचर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इन बातों का जवाब केजरीवाल नहीं देंगे। केजरीवाल की सरकार जितनी झूठ बोलने में माहिर है ना, उनको तो झूठ का अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे तो एक ही कहना है, जैसे हम माता बुढ़िया है तो इन्हों को इतना दुख केजरीवाल दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती क्योंकि हमारे बेटे बिगाड़ रहे हैं। निकट्टू बना दिया कि पानी का बिल नहीं भरो, बत्ती का बिल मत भरो, तो ये बच्चे कमाएंगे नहीं, तो माँ बाप को रोटी कहाँ से खिलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा के तमाम नेता राजनेता जो है हाथों में बैनर पोस्टर लिए केजरीवाल सरकार के घोटालों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इस प्रदर्शन के माध्यम से वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, आज एक बार फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं? दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार से तंग आ चुकी है। अब ये जो शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, ट्रांसपोर्ट घोटाला है, तो हमारी एक ही मांग है, केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं जी, और दिल्ली का विकास होने देना चाहिए। दिल्ली का विकास रुक गया है केजरीवाल सरकार में। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो है वीके सक्सेना जी पर आरोप लगा रहे हैं कि 24 घंटे जो है फर्जी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अब जितना विकास का काम हो रहा है वो उपराज्यपाल करा रहे हैं जी, तो जाहिर तौर के बात है इनके रोज नए से नए स्कैंडल पकड़े जा रहे हैं, और जिस तरीके से अनियमितताएं बरतते थे वो सब सामने आ रही हैं। धीरे धीरे पता चल जाएगा कि केजरीवाल सरकार से बड़ी चोर कोई नहीं है। ये भी जो है वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गैस टीचर की गड़बड़ी का आरोप लगाया जा था, कहीं ना कहीं वो इस चीज को लेकर क्लीन चिट मिलने से भी खुश है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि उनको कहीं से भी क्लीन चिट मिली है, और चाहे वो शिक्षा हो और चाहे वो हेल्थ हो, सबके अंदर घोटाले बहुत हो रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और ये हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। दिल्ली के शराब घोटाले के खिलाफ आज ये हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, और हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री इस घोटाले के मुख्य सरगना इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ईमानदारी की बात करती है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे थे, आज वही मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, शराब घोटाला करते हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी सफाई के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात करें, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उसमें उनको क्या तकलीफ है, बताएंगे केजरीवाल जी क्या तकलीफ है? हमारा ये मानना है कि इस पूरे घोटाले में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, पूरी आम आदमी पार्टी शामिल है। वो क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ठीक थे तो जेल में क्यों है? उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, शराब की दलाली खाई है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उनसे ये बताएं कि 16,000 पोस्टें खाली क्यों हैं, गैस टीचर धक्के क्यों खा रहे हैं, गैस टीचर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। इन बातों का जवाब केजरीवाल नहीं देंगे। अरे भाई, हजारों करोड़ रुपए का शराब का घोटाला हुआ है, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया, उनके खिलाफ FIR होगी, जेल में हो गई, लेकिन इसके मुख्य जो सरगना है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। जब तक उनका त्यागपत्र नहीं हो जाता है, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आंदोलन और तेज किया जाएगा। मांगे केवल छोटी सी मांग है, एक ही मांग है कि केजरीवाल जो सरकार चला नहीं सक रहे, दिल्ली के अंदर जो सुविधाएं देनी थी मुहैया करवा नहीं पा रहे, तो उनको चले जाना चाहिए। इसलिए उनकी इस्तीफे को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। एक के बाद एक हमने देखा, एक भी मंत्री उनका ऐसा नहीं था जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। दो दो मंत्री आज जेल के सलाखों के पीछे हैं, तो केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उनको तुरंत इस्तीफा देकर जाना चाहिए। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दिया था,
तो ये चीज कहा जा रहा था कि उन्होंने इस्तीफा जो है एक इमोशनल के तौर पर दिया है ताकि दिल्ली की जनता का काम ना रुके। तो इस पर देखिए, वो इमोशनल ग्राउंड पे कुछ नहीं करते। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके माँ बाप परेशान थे, स्कूल के बाद रोक करके जबरन उनसे पत्र लिखवाएगा मनीष सिसोदिया के पक्ष में। और हद तो तब हो गई जब अंदर की टीचर्स बैठी हुई, उन टीचर्स ने भी बैठ करके उनके खिलाफ जो पत्र लिखना चाहिए तो उनके पक्ष में पत्र लिखवाए। तो टीचरों को भी शर्म आनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया। तो ये बहुत ही वास्तव में शर्मनाक बात है, शर्म से डूब जाना चाहिए कि बच्चों पे राजनीति कर रहे हैं। हम उनकी शिक्षा नीति पे बात करेंगे बाद में, क्योंकि शिक्षा में भी स्कूल के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया है, लेकिन आज हम उनसे बात कर रहे हैं शराब नीति पे। शराब नीति पे घोटाला क्यों हुआ, उसके पैसे लिए, गोवा में उसका आवंटन हुआ, पंजाब में उसका आवंटन हुआ, उसकी जानकारी दें, लोगों को गुमराह ना करें। जिस विषय पे उनके मंत्री जेल में हैं उस पर स्पष्टीकरण दें, लेकिन उस पर बात नहीं करते, लोगों को गुमराह करते हैं, ड्रामा करते हैं, गिमिक करते हैं। इस प्रकार के प्रपंच में दिल्ली अब आने वाली नहीं। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यहाँ कानून व्यवस्था है। अगर किसी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है तो तमाम कोर्ट है, कोर्ट में जाके उसकी दुहाई दे सकते हैं, कहीं जाए। अगर वो दोषी ना होते तो आज इतने लंबे समय से जेल में है, उनकी बेल क्यों नहीं हुई? पहले क्या होता था कि किसी वक्त सीबीआई अगर उनके ठिकाने पर जाती थी और पूछताछ करके वापस आती थी तो ये कहते थे कि देखो कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला। अब बताएं, अब वो जेल में है, हर रोज कोर्ट में जब डेट जाती है, डेट होने के बाद जब बेल नहीं मिलती है तो उसका जवाब क्या है कि इसका मतलब वो दोषी है। वो खुद स्वीकार करें इस बात को, और अगर वो दोषी है तो सरकार में बने रहने का उनको हक नहीं है और सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली उनसे संभल नहीं सकती, दिल्ली के लायक वो है नहीं। मैं उनको निवेदन करूंगा, कृपा करके दिल्ली का और बर्बाद ना करें, दिल्ली का और नुकसान और ना करें, इस्तीफा देकर घर बैठे। अच्छा, अगर दिल्ली की जनता उससे इतनी ही त्रस्त होती तो एमसीडी में वो क्यों आते? देखिए, एमसीडी में अगर 10 या 20 सीटों का अंतर रह गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आ गए, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आने वाला समय आपको बताएगा कि दिल्ली के अंदर वो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। एमसीडी से इस चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है कि आ गए, छोटा चुनाव होता है, मुद्दे स्थानीय होते हैं, हो सकता है किसी व्यक्ति के बारे में ऊपर नीचे बात हो गई, लेकिन उसमें इसको रेफरेंडम लिया जाए कि लोगों ने उनको स्वीकार लिया है, लेकिन उसके विपरीत देखा जाए तो 15 या 20 सीटों का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा दिल्ली के लोग खुश हुए ऐसा नहीं है उनका। अगर आरोप फर्जी होते तो 9 महीने बेल नहीं मिली, सारे कोर्ट्स हुआ है, लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खा लिए, कोर्ट से ऊपर तो कोई नहीं है, तो कोर्ट ने इनको अभी तक जेल में क्यों रखा हुआ है, ये सवाल है इनसे। ये अगर ईमानदार होते, अगर इनके खिलाफ सबूत ना होते तो इनको कब की बेल मिल गई होती? तो बेल तो नहीं मिली, तो इससे साबित होता है कि इनके ऊपर ब्लेम। अच्छा, वो इस चीज को लेके कह रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग जो है भाजपा अपने अकॉर्डिंग कर। हर चोर अपने आप को ईमानदार कहता है, अगर वो ईमानदार है तो कोर्ट उनको छोड़ देगी। हाँ जी, उनका क्या कहना, सब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी, अब भ्रष्टाचारी आंदोलन करते हैं, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचारी मिलकर सब आंदोलन कर रहे हैं, ये अलग से नया फैशन है। अच्छा, ये चीज अटकले लगाए जा रहे हैं कि ये जो भी करता धरता है इसके पीछे मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं केजरीवाल है, तो आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल मास्टरमाइंड का सवाल ही नहीं। कोई भी सरकार हिंदुस्तान में मुख्यमंत्री मेन करता धरता होता सरकार का, और जो मंत्रिमंडल की ज्वाइंट जिम्मेवारी है उससे ये कैसे बच सकता? अगर कोई उसका मंत्री, पहले 3 मंत्री कोई राशन कार्ड में औरत के साथ गलत करते हुए, कोई रिश्वत लेते हुए, पंजाब में भी 2 मंत्री चले गए, तो वहाँ ये कट्टर ईमानदार है? ये तो कट्टर बेईमानों का झुंड है, काम करते कहाँ हैं। अभी तो कल में ही जो बजट का विषय आया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कम और विज्ञापन पे ज़्यादा, ये इनके काम है। नहीं, वो बेशरम है, सीवा देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक का जब दबाव पड़ेगा, पब्लिक जब इस आंदोलन को अपनाएगी, जो आज हालात है, अभी आप कह रहे थे कॉरपोरेशन असेंबली इलेक्शन में वोट मिले 50% और आप गए 30% पे, तो 20% वोटर कम हुआ है केजरीवाल का, और आने वाले दिनों में ये साफ है, अब ये अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। हमारे सीधी सीधी मांग है,
दिल्ली सरकार ने एक भ्रष्ट शराब नीति बनाई जो बाद में वापस की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, बिना उनकी मर्जी के नहीं बन सकती। कैबिनेट का अप्रूवल है, कैबिनेट की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, तो इस सब के लिए, इस बड़े भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार केजरीवाल हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जब उनके ऊपर भी शिकंजा सीबीआई का या ईडी का कसा जाएगा उस समय वो इस्तीफा देंगे, उससे पहले उन्हें आज ही इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर के हम यहाँ धरने पे बैठे। गेस्ट टीचर को लेकर भी जो है आरोप लग रहे थे कि उसमें भी घोटाले किए गए हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर क्लीन चिट मिलने की खुशी भी वो जता रहे हैं। ऐसा है, हम यहाँ पर शराब नीति को लेकर के बैठे हैं, और केजरीवाल लगातार शराब नीति पर जो प्रश्न उठ रहे हैं, जनता उठा रही है, हम उठा रहे हैं कि उन्होंने शराब नीति अच्छी थी तो वापिस क्यों करी, पहली वाली शराब नीति में क्या कमी थी, ठेकेदारों को 2% कमीशन पहले दी जाती थी, अचानक क्या हो गया कि 12% या 12.5% कमीशन दी जा रही है, उसका जवाब हम मांग रहे हैं केजरीवाल से। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए शराब नीति बनी है। इस पर उनके आबकारी मंत्री, शराब नीति के जो मंत्री हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, जमानत उनकी नहीं हो रही है। इस पर जवाब दें केजरीवाल, बाकी मुद्दों को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी छवि को धूमिल क्या करेंगे, वो तो महाभ्रष्ट पार्टी है, उसकी जिसकी आइडियोलॉजी कोई नहीं है। आप देखिए, ये सबसे पहले जितेंद्र तोमर, उसके बाद जो है सिलसिला चालू हुआ है लगातार भ्रष्टाचार का, तो ये भ्रष्टाचार में तभी है, तभी एक साल से ज्यादा वहां पर रहते हैं, और तब एक बार एक साल से रहने के कारण से तभी तो ये सारा कुछ उनके साथ हो रहा है। और ये कोई अभी रुकने वाला नहीं है। आप देखिए, जब ये बात गवाही ने कह दिया कि इनको उसमें केजरीवाल शामिल था, तो केजरीवाल शामिल है। आप देखिए, संजय सिंह भी उसमें शामिल है, वहाँ बैठे हुए थे जब वो लेकर गया है, जब विजय नायर ने बोला है तो वो वहाँ पर दोनों लोग थे, केजरीवाल भी थे, संजय सिंह भी थे, और कहता है मेरा खास आदमी है। जब खास आदमी है तो खास आदमी का मतलब क्या होता है? खास आदमी का मतलब ही होता है कि इसको ठेके दिए जाएं, इनसे कमीशन हमने ले चुके हैं, और ये कमीशन जो है उनको जो है दिल्ली की जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता में 800 से ज्यादा के जिन्होंने जो ठेके खोल दिए गली गली में, कहाँ ये होना चाहिए कि आपको स्कूल खोलना चाहिए, स्कूल तो एक खोला नहीं, लेकिन ठेके उन्होंने 800 से ज्यादा खोल दिए, और इसमें जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, कमीशन जो है 5% से और 12% बढ़ाने का क्या लॉजिक था? प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? इसी तरीके से आप लोग जो है लगातार इस्तीफे की जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, तो कब तक ये प्रदर्शन चलने वाला है? प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इनका एक एक भ्रष्ट आदमी, एक एक भ्रष्ट नेता जब तक जेल की हवा नहीं खा जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता इस पर लगा रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि बंद रहेंगे। मैं तो केजरीवाल से कहना चाहती हूँ कि पहले इस्तीफा दो, शराब के ठेके बंद रहेंगे या खुलेंगे ये जनता देखेगी, क्योंकि तुमने ये जो शराब की नगरी दिल्ली को बनाया है, तो जनता को तुमने मतलब घर बर्बाद करे हैं। तो केजरीवाल जी, आपके सारे मंत्री नंबर वाइज देल जाने लगे, अब आपको 5 दिन के लिए, मैं तो कह रही हूँ शराब के ठेके बंद होने चाहिए। जो भी इन्होंने शराब दीदी दिल्ली में चालू करी है, दिल्ली तो इन्होंने शराब की नगरी बनाई थी, पंजाब को भी बना दिया, तो केजरीवाल जी शर्म करो और दिल्ली को शराब नगरी नहीं बनने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज जंतर मंतर में प्रदर्शन, हमारे प्रदर्शन लगातार जारी है। केजरीवाल की सरकार जितनी झूठ बोलने में माहिर है ना, उनको तो झूठ का अवार्ड मिलना चाहिए। वो झूठ पे झूठ भ्रष्टाचारी कर रही है। भाजपा सरकार ऐसी नहीं है, भाजपा सरकार तो बहुत अच्छी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है, मगर केजरीवाल की ऐसी सरकार है, दिल्ली सरकार ऐसी है जिसने जितना झूठ बोल सकते बोल रही है। अरे भाजपा हमारी ऐसी सरकार है, ऐसा संगठन है भाजपा का संकट, जो सबका विश्वास जीतता है, सबको साथ लेके चलता है, ये संगठन बहुत मजबूत है, क्योंकि इसमें जो आएगा ना, जो भी शामिल होगा, उसकी सभी उसकी सोच अच्छी जुड़ती है।
क्योंकि केजरीवाल की जो सरकार है वो गंदी सोच की सरकार है, गंदी राजनीति की सरकार है। तो जो इंसान केजरीवाल के पास जाता है उसकी सोच का हो जाता है, भाजपा में आता है तो भाजपा की सोच का होता है, क्योंकि भाजपा संगठन बहुत अच्छा संगठन है, अच्छी सोच और भारत का विकास कर रहा है, क्योंकि हमारे मोदी जी है जिन्होंने भारत को सम्मान दिया है। दूसरी कंट्री में, दूसरी कंट्री पहले भारत को सम्मान नहीं देती थी, जब से मोदी जी आए हैं तो हमारे भारत को बहुत सम्मान मिला और बहुत सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा की सोच है। और केजरीवाल तेरी सोच पता लग रही है, तेरे नंबर 22 से सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं, कोई जेल में मालिश करा रहा है, कोई जेल में अपनी ऐशो आराम कर रहा है, तो तुम्हें जेल में भी चैन नहीं है, जेल में भी तुम अपनी गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरे तो एक ही कहना है, जैसे हम माता बुढ़िया है तो इन्हों को इतना दुख केजरीवाल दे रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, क्योंकि हमारे बेटे बिगाड़ रहे हैं, निकट्टू बना दिया कि पानी का बिल नहीं भरो, बत्ती का बिल मत भरो, तो ये बच्चे कमाएंगे नहीं तो माँ बाप को रोटी कहाँ से खिलाएंगे। चलो तो ये लिखा था कि अंकल सीबीआई अंकल मजीद सिसोदिया को मत छोड़ना, क्योंकि इसने जो शराब के ठेके घोटाले करे हैं, मेरे पापा शराब पी के आते हैं, मेरी मम्मी को मारते हैं, प्लीज सीबीआई अंकल इनको मत छोड़ना। तो केजरीवाल के तो खोलेंगे ना, तो मैं कह रही सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, मन के इनकी झूठी पोल भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म नहीं होगी। अगर ये सही होते या इनकी सोच सही होती तो आज दिल्ली में केजरीवाल के लिए यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि जो दिल्ली के जनता के लिए सोचेगा वही दिल्ली में राज करेगा। ये मुख्यमंत्री के पद को नहीं समझा, दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री चुना ना इसको, और दिल्ली के विश्वास को क्यों तोड़ा। देखिए बोलने से क्या होता है, सारे प्रूफ्स हमारे पास हैं, ऐसे ही तो कोई बैठा नहीं है। अगर हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, केजरीवाल को ये नहीं समझ आ रहा कि वो कैसे बचाए अपनी पार्टी को, तो वो हमारे खिलाफ बातें बना रहे हैं, पोस्टर्स निकाल रहे हैं, हमारे मोदी जी के लिए फालतू की बातें कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफ्स है हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं और हम पूरा ट्राई करेंगे, और आज नहीं कल नहीं, इस्तीफा तो उनको देना ही है। देखिए हम बिल्कुल आज आए हैं और हम बहुत ही जल्दी ये पूरा आप लोगों को वो करते हैं कि केजरीवाल को यहाँ से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार उन्होंने दिल्ली में फैला दिया है, वो कह रहे हैं और बाकी स्टेट्स में ट्राई करेंगे, वो कहाँ से कर लेंगे, पहले दिल्ली का तो देखिए अब क्या नाश कर दिया उन्होंने, तो अब तो उनको यहाँ से हटना ही पड़ेगा। और हम लोग पूरे प्रूफ के साथ यहाँ बैठे हैं, वो आगे हमारे क्वेश्चंस का जवाब तो दे पहले, तो हम लोग इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, और उसको तो हटना ही है। अब देखिए जब कोई भी कोई नया आता है, जैसे वो नए आए उन्होंने ट्राई करा, आप मेरे से नहीं, मैं आपको बोलूँगी आप लोकल पब्लिक से पूछिए, मेरे पास तो विद प्रूफ मैं अपनी पार्टी के साथ यहाँ बैठी हुई हूँ, लेकिन आज की तारीख में आप लोकल पब्लिक से जाके बात करिए और वो आपको खुद बताएंगे लोग कितना परेशान है। बल्क में आप चार लोग खड़े हो जाते हैं, चार लोगों से बात नहीं करिए, लोकल पब्लिक है जो, आप उनसे जाके पूछिए, ना स्कूल्स का कोई डेवलपमेंट है, ना यमुना वाले, आपको सबको पता है, सबको जो जो हो रहा है सबको पता है, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब हमें यही तो, तभी तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि हमें केजरीवाल को हटाना है। देखिए इस वक्त जो है हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से भाजपा के तमाम नेता हाथों में बैनर लेकर केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है किसी तरीके से प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दे देते। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।